नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन। तो देखिए, बड़ी खबर अब कुंडा से आ रही है। राजा भैया के कुंडा में देखिए एक तरह का हम कह सकते हैं मातम छा रहा है। क्यों? क्योंकि आज सुबह सुबह देखिए हेल्थ अपडेट आया था मुलायम सिंह यादव को लेकर। राजा भैया नहीं, वो अपडेट अपनी जनता को दिया था। अगर अब बात करूं तो राजा भैया इस वक्त गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में है। मुलायम सिंह यादव के लिए वो तत्पर खड़े हैं। वो अखिलेश से वो वादा कर चुके, देखिए अखिलेश भाई हम तुम्हारे साथ है, और मुलायम सिंह यादव का नहीं, हमारे प्रिय नेताजी को हम यहां से स्वस्थ कराकर ही लेके जाएंगे। लेकिन आज सुबह देखिए डॉक्टर्स ने हेल्थ अपडेट जारी किया था, उस हेल्थ अपडेट को देखिए राजा भैया ने अपनी जनता को सुनाया। जैसे ही राजा भैया ने बताया कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत अब बहुत ही ज्यादा नाजुक है, क्योंकि कुछ पिछले कुछ दिनों से उनकी जो हालत है, मुलायम सिंह यादव की हालत है, वो कभी ठीक हो रही थी, कभी सही हो रही थी, कभी ज्यादा खराब हो रही थी। अब जो लगातार दो दिन से देखिए कि उनकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा। उम्मीद तो है, लेकिन हाँ सुधार नहीं देखने को मिल रहा, और बल्कि नीचे ही जाते जा रही है उनकी तबीयत। क्योंकि किडनी में देखिए बीमारी हो चुकी थी, किडनी को जैसे तैसे थोड़ा बहुत ठीक कंडीशन में लाया, उसके बाद देखिए फेफड़ों में दिक्कत होने लगी, उसके बाद देखिए उनके अंगों ने काम करना बंद कर रखा है। इस वक्त मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको पैरालिसिस हो गया, लेकिन हाँ उनके अंगों में हरकत नहीं हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल देके उनको नहीं बोला जा रहा, इसलिए वेंटिलेटर पर रखा गया था। डायलिसिस हो रहा है, तो बहुत कुछ चल रहा है उनके साथ। तो इसलिए देखिए कि जब राजा भैया ने अपनी जनता को बताया, क्योंकि वहां पे उनके जो प्रशंसक हैं मुलायम सिंह यादव के, राजा भैया के, उनसे बातचीत करने के लिए अपनी जनता, अपने नेताओं को जवाब देने के लिए उन्होंने बताया कि अब ये तबीयत है, तभी से देखिए कि कुंडा में देखिए मातम का जो कह सकते हैं माहौल सा बन गया है। क्योंकि हर कोई मुलायम सिंह यादव को वहां पे चाहता है। राजा भैया का जो प्रदेश है कुंडा, जो प्रतापगढ़ है, वहां पे भी देखिए सपा समर्थन काफी है। तो इसलिए देखिए कि वो अपने समर्थकों से यही उम्मीद करके बैठे हैं कि देखिए आप आराम से बैठिए, हम मुलायम सिंह यादव को स्वस्थ करके यहाँ पे आपके सामने ला देंगे। लेकिन वो दिखता हुआ हमें नजर आ नहीं रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पे मुलायम सिंह यादव की तबीयत का अपडेट अगला क्या होता है, क्योंकि इस वक्त तक तो देखिए, जब मैं खबर बना रहा हूं तब तक तो देखिए मुलायम सिंह यादव की तबीयत बहुत ही ज्यादा नाजुक बनी हुई है। अब देखना होगा कि अगले अपडेट डॉक्टर में क्या बताते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन।